नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ गए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों में अवकाश का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया कि एक हफ्ते तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में अवकाश घोषित करने का दिल्ली सरकार का फैसला सोमवार यानी 15 नवंबर से प्रभावी होगा। अरविंद केजरीवाल ने साथ ही यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस अवधि में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के लिए हमारा मकसद दिल्ली सरकार का और दिल्ली के लोगों का ये है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात क्रिएट हो गए हैं, उसको कैसे निपटा जाए, अपने दिल्ली के लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, अपने दिल्ली के बच्चों को कैसे राहत पहुंचाई जाए ताकि वो साफ सांसें ले सकें। तो अभी हमारी मीटिंग हुई थी, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे, मंत्रीगण थे, ऑफिसर्स थे, और कुछ ये मोटे मोटे तौर पे चार कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी, तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%, तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है या अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पर अवेलेबल रहना है। तो दिल्ली की हवा में जहर किस कदर बढ़ रहा है वो हम आपको ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं। देखिए, 1 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक का ये आंकड़ा, 13 नवंबर यानी आज की तारीख की अगर बात की जाए तो 468 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI लेवल गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा की गुणवत्ता कितनी ख़राब हुई है। 8 नवंबर को 413 आंकड़ा था, 4 नवंबर को 381 और 1 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई थी एक तरीके से देखा जाए तो 361, यानी 4 नवंबर की दिवाली के बाद से ही लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता गया और 13 नवंबर को भी 468 तक गया। सुप्रीम कोर्ट सख्त है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, उसके बाद दिल्ली सरकार एक्टिव हुई। हालात इतने गंभीर है कि हम घरों में भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वो आपको बता रहे हैं। पराली जलाने से कुछ फीसदी ही प्रदूषण फैल रहा है, बाकी का क्या है, इस सवाल भी पूछा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने का 2-3 दिन का नहीं पूरा प्लान बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा प्रदूषण के मसले पर, उसकी बड़ी बातें आपको बता दें। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने जैसे कदम उठाने के लिए कहा, उसके बाद 6 दिनों के सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम में करने के लिए बोल दिए गए। बढ़ते आगे, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। इस मुद्दे पर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने प्रतिक्रिया दी है, क्या कहा है आपको दिखाते हैं। नमस्कार साथियों, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर के दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको लेकर के गंभीर टिप्पणी की, बल्कि सरकारों को फटकार लगी, देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज सचेत किया और बताया कि किस तरह से लोग दिल्ली के अंदर दम घुट रहे हैं। जहाँ हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं वहीं पर पिछले बीते दिनों देखा होगा जिस तरह से नदियों का पानी दूषित है, यमुना की जो स्थिति है उसमें खासतौर से आप अरविंद केजरीवाल भी मानने लगे कि उसमें उन्होंने काम नहीं किया है। तो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, हर तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैला है। बीते दिनों से जिस तरह से वायु प्रदूषण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगभग 400 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लोगों की सांसें दम घुट रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासित एमसीडी ने व्यापारियों से पहले 17 गुना अधिक कर वसूला यानी टैक्स वसूला। अब टैक्स कम करने के बाद कह रहे हैं कि जिन्होंने जमा कर दिया उनका पैसा वापस नहीं करेंगे। बीजेपी के एमसीडी ने 25 अक्टूबर को आदेश निकाला कि हाउस टैक्स की बढ़ी हुई दरें 31 मार्च 2022 तक वापस कर ली गई हैं, लेकिन जिन्होंने टैक्स जमा कर दिया है उनका पैसा कभी वापस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को 15% रिबेट का झांसा देकर टैक्स वसूल लिया गया। यह व्यापारियों से 17 गुना टैक्स वसूलने की स्कीम थी। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव तक लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नई चाल चली है। सत्ता में वापस आने पर 17 गुना टैक्स कर दिया जाएगा। केंद्र के बाद बारे में बाद में जाएंगे। अगर सिर्फ एमसीडी की बात भी हम करें तो पिछले 5 सालों के एमसीडी के राज में दिल्ली के व्यापारियों के खून के आंसू जो है भारतीय जनता पार्टी ने रुलाए, और भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी नेता खुद आपस में बैठते हैं तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं। इन्होंने क्या किया, इन टैक्सों को 17 गुना 16 गुना दुगना करने के बाद 15 सितंबर 2021 तक एक स्कीम चलाई कि अगर आप इन बढ़े हुए टैक्सों को भर दोगे तो हम आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। बोलते हैं इसको यहां कि रिबेट दे रहे हैं हम, कितनी परसेंट, 15%। 16 गुना टैक्स बढ़ाने के बाद, टैक्सों को दुगना करने के बाद इन्होंने 15 सितंबर तक एक रिबेट स्कीम चलाई कि आप दे दोगे तो हम 15% रिबेट देंगे व्यापारी को, तो 15% भी जहां रिबेट मिल जाए वो करेंगे। जगह जगह इन्होंने कैंप लगाए, इनके काउंसलरों ने उसकी एडवर्टाइजमेंट करी और वो टैक्स भरवा ली। पूर्वी दिल्ली की बात करेंगे तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आज नेता विपक्ष मनोज त्यागी और निगम पार्षद बंटी गौतम ने साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने खुद एक आम नागरिक बनकर पूर्वी दिल्ली महापौर से अपनी शिकायतें की। मीडिया के सामने स्पीकर फोन पर रखकर खुद मनोज त्यागी ने मेयर से बात की। उन्होंने बिल्डिंग ऑफ साफ सफाई को लेकर जनता की परेशानियों को मेयर के सामने रखा। फोन पर खुद मेयर ने आश्वासन दिया कि अवैध बिल्डिंग निर्माण पर 15 दिन और साफ सफाई 1 हफ्ते के अंदर करवा दी जाएगी। तो इसलिए ये आपको मीडिया को बुलाना पड़ा और मीडिया के माध्यम से हम इसको चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में मेयर साहब का जो नंबर है, जो कंप्लेंट नंबर इन्होंने दिया है, उस पर कितना एक्शन होता है। अभी आपके सामने एक सप्ताह का टाइम दिया, बिल्डिंग्स के मैटर पे 15 दिन का समय दिया। हम कह रहे हैं आप 15 दिन ले लीजिए, लेकिन एक्शन तो हो, कोई एक्शन नहीं होता। तमाम अधिकारी और भाजपा के नेता सब मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार खूब चरम पे चल रहा है। आज की डेट में आम आदमी की आवाज़ सुनने वाला नगर निगम के अंदर विपक्ष के अलावा कोई भी आदमी नहीं है, ना अधिकारी, ना भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा के नेता बैठे हैं नगर निगम को चला रहे, ना कोई नेता। अब आप समझ लीजिए कि बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल लेवल के नेता हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इस कंपनी में साझेदार हैं कहीं ना कहीं, तभी ये कंपनी नहीं हट सकती। क्योंकि इतनी शिकायतों के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी कंप्लेंट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद भी कंप्लेंट कर रहे हैं, आम जनता भी कंप्लेंट कर रही कि हमारी गलियों से कूचों से कूड़ा नहीं उठ पा रहा। साथ ही साथ इन लोगों ने क्या करा, जो ओपन ढलाव ओपन पॉइंट्स थे कूड़े के, उनको सिर्फ एक चीज़ इन्होंने कर दी कि वहाँ पे कूड़ेदान रख दिया और वो उस कूड़ेदान में कूड़ा पड़ जा रहा है। लेकिन ना तो वो कूड़ेदान खाली हो पा रहे, ना वो बड़े ढलावघर खाली हो पा रहे। हमारे पार्षद हैं धीरेन्द्र गौतम जी, इनके वार्ड के अंदर पिछले 10 दिन से एक ढलावघर खाली नहीं हो पाया। ये कितना संगीन विषय है। निगम पार्षद बराबर अधिकारियों के संपर्क में है, सैनिटरी इंस्पेक्टर खुद हैंडीकैप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नेता निगम को चला रहे हैं वो उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेने देना। उत्तर पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवाएं एवं दिल्ली पुलिस राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वाधान में एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया। दिल्ली के यमुना विहार में इसका आयोजन हुआ। इस मेगा कैंप का उद्देश्य लोगों के कानूनी संबंधित समस्याओं का समाधान करना था। इसी के तहत लोगों की कानूनी संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। तो हेल्पलाइन नंबर है 1516,
उस पे भी फोन कर हेल्प डेस्क लगे हुए हैं। एक तो हेल्प डेस्क है हमारा, समरी स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है मतदाता सूची का, इलेक्टोरल रोल का। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो आज हमारे यहाँ पे BLOs उपस्थित हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल समरी रिवीजन लॉन्च किया है, जो भी बच्चे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हैं 1 जनवरी 2022 को, या जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और किसी कारणवश अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए मतदाता सूची में, तो ये एक सुनहरी मौका है उनके लिए। सकते हैं हेल्प डेस्क लगे हुए हैं। एक तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने हमें डायरेक्शन दी थी कि इस मेगा लीगल कैंप कराना है। अंडर दैट डायरेक्शन वी हैव कंडक्टेड दिस कैंप विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आई थिंक विदाउट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। सो द ओनली पर्पज फॉर टेलिंग पीपल इज कि आप लोग काम यहाँ पे एक जगह पे हम सारे काम आप लोग करने के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। देर इज़ नो प्रॉब्लम। लोग देख रहा हूँ मैं यहाँ पे भी आ रहे हैं, दे आर रियली वरीड अबाउट कि हमारे डॉक्यूमेंट्स इतने साल से नहीं बन रहे हैं, वी आर इन प्रॉब्लम। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू यू नो अप्रोच द पीपल रादर देन पीपल अप्रोचिंग अस, वी आर ट्राइंग टू अप्रोच देम एंड ट्राई टू हेल्प देम आउट। एंड आई होप दैट विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल कीप यू नो डूइंग दीज टाइप्स ऑफ कैंप, वी कैन ट्राई टू अप्रोच पीपल। एंड एक दिन होगा कि लगभग कम से कम लोग ये नहीं कहेंगे हमें। राजधानी दिल्ली के थाना सब्जी मंडी में हत्या के प्रयास में एक आरोपी को जिला नॉर्थ की स्पेशल स्टाफ टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक अत्याधुनिक पिस्टल समेत 7 जिंदा कारतूस और एक एक्सयूवी गाड़ी बरामद की है। आपको बता दें कि नॉर्थ जिला पुलिस DCP सागर सिंह कलसी के नेतृत्व में ACP जयपाल सिंह और इंस्पेक्टर राजकुमार मलिक की टीम बनाई गई थी, जिसके बाद एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। पकड़े गए आरोपी की पहचान सोनू सोनकर के रूप में हुई है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एक मुहिम चल रही है स्ट्रीट क्राइम को कर्व करने के लिए, तो उसमें हमारे कुछ दिन पहले मुखबिर हमने लगाए थे कि ये सोनू जो है इसके 2 बेटे हैं, एक हिमांशु और एक जुविनाइल। इन्होंने एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस 3-4 दिन पहले किया था, उसके चलते हमने इनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लगाई तो कहीं से एक खबर मिली कि आजादपुर से हिंदू राव हॉस्पिटल की तरफ की रोड में ये वहाँ पर किसी पर्टिकुलर समय पर आएगा। हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम है, सब इंस्पेक्टर विनीत के अंडर एक हमने ट्रैप लगाया, इंटरसेप्ट किया ये गाड़ी को, एक XUV महिंद्रा गाड़ी थी। तो ये जो सोनू पहलवान एलिया सोनू सोनकर है, इसको हमने उसमें पकड़ लिया, बड़ा खूंखार गैंग। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों को पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में News1 India के दिल्ली ब्यूरो चीफ रवि कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में की गई निष्पक्ष पत्रकारिता और समाज सुधार के किए गए अथक प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। पूर्वी दिल्ली में स्थित द लीला एम्बियंस होटल में मिसिस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2021 शो के फिनाले का आयोजन हुआ। शो का आयोजन अंकिता सारोहा के द्वारा किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से आकर प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर रैंप पर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। फिनाले में विजेता रही गुड़गांव की रहने वाली डॉक्टर ज्योत्ना चड्ढा, जिनको 1,00,000 कैश मनी देकर नवाजा गया। तो वहीं दूसरी क्लासिक कैटेगरी में विनर रही दिल्ली की समिष्ठा दास। इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2020 के विनर्स आज हमारे साथ हैं। वी हैव विनर फ्रॉम मिसेस कैटेगरी डॉक्टर ज्योत्ना चड्ढा एंड ऑफ कोर्स मिसेस शर्मिष्ठा दास दे फ्रॉम क्लासिक मिसेस कैटेगरी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड ये अब हमारी रिनिंग क्वींस है फॉर द ईयर 2021 एंड ऑफ कोर्स दे विल बी चेंजिंग द सोसाइटी एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। सो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2020 के विनर्स आज हमारे साथ हैं। वी हैव विनर फ्रॉम मिसेस कैटेगरी डॉक्टर ज्योत्ना चड्ढा एंड ऑफ कोर्स मिसेस शर्मिष्ठा दास दे फ्रॉम क्लासिक मिसेस कैटेगरी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड ये अब हमारी रिनिंग क्वींस है फॉर द ईयर 2021 एंड ऑफ कोर्स दे विल बी चेंजिंग द सोसाइटी एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। सो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2020 के विनर्स आर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2021 प्लेटफॉर्म एंड मिसेस अंकिता सरोहा मैम, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर अपना टैलेंट दिखा सके, अपनी एक्सपीरियंस को लिव कर सके। We could voice out our thoughts and express our talents.
सो आज मैं विनर हूँ मिसेज़ इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2021 की एंड मैं बहुत खुश हूँ. और आई वुड लाइक टू थैंक मिसेज़ इंडिया इंटरनेशनल क्वीन टीम 2021 एंड मिसेज़ संगीता सरोहा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रीडिस्कवर माई सेल्फ एट द एज ऑफ 42 एट द क्रॉस रोड्स ऑफ माई लाइफ एंड प्रूव अ पॉइंट टू माई सेल्फ अगेन. थैंक यू.